नमस्ते मेरे दोस्तों, आज आपके लिए एक और अच्छी सी मैजिक ट्रिक लेके आया हूँ। एक आपको छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार महान ज्ञानी तांत्रिक जी मेरे पास आए। कहते बेटा बहुत देर से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं। सुबह सुबह का टाइम था तो ज्ञान जी ने अपने थैले से एक कटोरा निकाला। मैं भी अपने घर के अंदर आ गया। अपने घर के अंदर जाने के बाद बाबा जी के लिए क्या लेके आया? एक कच्चे चावल। मैंने कच्चे चावल से बाबा जी का कटोरा था, मैंने उसको पूरा भर दिया। कच्चे चावल से मैंने बाबा जी का कटोरा दिया, मैंने पूरा का पूरा भर दिया। बाबा जी ने अपने थैले से एक और कटोरा निकाला। एक और कटोरा निकालने के बाद बाबा जी ने उसके ऊपर दूसरे कटोरे को रख दिया और दूसरे कटोरे को रखने के बाद बाबा जी ने तीन बार इसको हिलाया, एक दो और तीन। और क्या हुआ? भगवान से प्रार्थना की। जैसी भगवान से प्रार्थना की तो क्या हुआ? जैसे बाबा जी ने पहला वाला कटोरा हटाया तो चावल क्या है वो डबल हो चुके थे। तो हमने भी सोचा, बाबा जी ने क्या किया, अपने हाथ से ऊपर के चावल को हटा दिए। हटाने के बाद बाबा जी ने उसी कटोरे को लिया और वो कटोरा हमें दे गए। हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़े चावल से एक गुना दो गुना तीन बोरी चार गुना पाँच बोरी छः गुना बोरी बना के ऐसे हम लोग अमीर हो जाए। तो मैंने भी बाबा जी के कटोरे लिए, उसको तीन बार ऐसे हिलाया। हिलाने के बाद मैंने फिर प्रेयर की और जैसे प्रेयर की तो क्या हुआ, चावल तो गायब हो गया और क्या बन गया, पानी। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी लालच नहीं करनी चाहिए वक्त से पहले और वक्त के बाद किसी को कुछ मिला है। थैंक यू सो मच।